तेरे बिना आई स्वेर मेरा यहाँ रहने का मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ तुझे जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। जी हाँ, इस बार बिग बॉस अनप्रेडिक्टेबल से ज्यादा और भी अनप्रेडिक्टेबल होते हुए जा रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं। क्योंकि इस बार अली को नहीं, जिसे मान रहे हैं बहुत लोग, इस बार बहुत आगे तक जाने वाले हैं, लेकिन अली गोनी को होना हुआ एविक्टेड। जी हाँ, एविक्शन का एपिसोड अभी तक नहीं आया है, आज हमें दिखेगा एविक्शन का एपिसोड। लेकिन अली गोनी इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन था, जब से घर में आया है तब से उनका चल रहा था। जी हाँ, चल रहा था, मतलब वो जो गेम प्लान कर रहे थे उसी गेम प्लान के हिसाब से जैस्मिन भी आगे बढ़ रही थी और घर वालों के साथ भी अली गोनी का एक संतुलन मेंटेन हो रहा था। लेकिन अली गोनी को होना हुआ बाहर, और किस कारण आप जानते ही हैं। बिग बॉस ने टास्क दिया था, स्पीकर वाला टास्क में अली गोनी और जैस्मिन सबसे लास्ट आए। जी हाँ, वहाँ पर अली गोनी और जैस्मिन ने मिलकर 20 मिनट से ज्यादा टाइम लिया, वहाँ पर बैठे थे 57 मिनट से ऊपर, और सबसे कम समय लेकर सबसे पहले एविक्शन से बच गए राहुल वैद्य और एजाज खान। हालांकि एजाज खान ऑलरेडी फिनाले वीक तक पहुंच गए हैं, तो इफेक्टिवली राहुल वैद्य उस जोड़ी में बच गया, और अंत में अली और जैस्मिन फंस गए। और बिग बॉस ने हालांकि कहा था कि अली और जैस्मिन में सिर्फ एक को ही निकलना है, तो वहां पर अली को होना हुआ था एविक्टेड। दोस्तों, बिग बॉस अनप्रेडिक्टेबल है, हम लोग देख रहे हैं इस बार अनप्रेडिक्टेबल है बिग बॉस। लेकिन दोस्तों, बिग बॉस का जो फॉर्मेट है वो पूरा ही प्रेडिक्टेबल है। जी हाँ, अली गोनी तो निकल रहे हैं, लेकिन सोर्स की माने तो अली गोनी का रिटर्न होना नियर फ्यूचर में एकदम कॉन्फर्म्ड है। सिर्फ 26 दिनों का मेहमान रह चुके हैं बिग बॉस के घर में अली गोनी। बिग बॉस के इस फिनाले यानी इनिशियल पड़ाव के बाद अली गोनी वापस आ सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस जानते हैं बिग बॉस के घर में उथल पुथल चाहिए, गेम प्लान चाहिए। और इस बार अली गोनी, कविता, ये सब थे उथल पुथल करने वाले या फिर गेम प्लान करने वाले। हाँ, साथ में है रूबीना और एजाज भी कुछ हद तक जाते हैं, और सरप्राइजिंगली राहुल वैद्य धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अली गोनी का जो ये एविक्शन है, ये एविक्शन का परमानेंट एविक्शन है, या कुछ दिन बाद अली गोनी को फिर से वापस आना होगा, या फिर वापस ले आएगा बिग बॉस? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों, साथ में ये भी लिखे बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।